कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक दिन पहले वैक्सीनेशन रूम में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां पर लाभार्थी पहुंचे थे, लाभार्थी अपने मोबाइलों की टॉर्च जलाकर वैक्सीन लगवाते नजर आए। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी खबर जनवाणी न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। जनवाणी न्यूज का संज्ञान लेकर प्रशासन जागा तथा एसडीएम उद्भव त्रिपाठी ने आज चिकित्सा अधीक्षक को सफाई कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद सफाई कर्मियों द्वारा कैराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई चलाई गई। वहीं जो केबिल क्षतिग्रस्त था, उसको भी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भानु प्रकाश द्वारा सही कराया जा रहा है। नाम तासिम अली, सफाई लिपिक, नगर पालिका परिषद कैराना। ये स्वास्थ्य जो है हमारे सरकारी अस्पताल है, इसमें जो सफाई अभियान चलाया गया है, ये हमारे माननीय उपजिलाधिकारी महोदय जिनके पास अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कैराना का अतिरिक्त प्रभार है, उनके निर्देशन में सफाई अभियान चलवा कर वहाँ से जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवा कर पालिका की डंपिंग ग्राउंड में डलवाया गया है। तथा इसी के साथ साथ सरकारी अस्पताल के आसपास जो हमारी सड़कें हैं, नाली वगैरह साफ कराकर वहाँ पर जो है उसका भी कूड़ा कचरा उठवा कर पालिका के डंपिंग ग्राउंड में डलवाया गया। इसके साथ साथ जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया और सैनिटाइज भी नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। फिलहाल जनवाणी न्यूज की खबर का असर साफ देखने को मिल रहा है। प्रशासन जागा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई के साथ ही केबिल जो क्षतिग्रस्त को ठीक कराया जा रहा है। जनवाणी न्यूज के लिए कैराना से आरिफ चौधरी, अपने कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ।